पूर्णिया के रैली में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना से मुख्यमंत्री आवास से निकल रहे हैं और एयरपोर्ट जाएंगे और एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर के माध्यम से नीतीश कुमार महागठबंधन के नेताओं के साथ पूर्णिया के लिए उड़ान भरेंगे। नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव भी मौजूद रहेंगे, तेज प्रताप यादव भी मौजूद रहेंगे। हमारे पीछे की तस्वीरें में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से मुख्यमंत्री का जो कारकेट है वो निकला। सीधे है मुख्यमंत्री की, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस देखिए सीधे मुख्यमंत्री ने इशारा किया कि वो यहाँ से लौटेंगे तब बोलेंगे, फिलहाल मुख्यमंत्री मीडिया से बातचीत नहीं करेंगे। उन्होंने हाथ जोड़ते हुए यहाँ से निकल गए। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना एयरपोर्ट के लिए रवाना हो रहे हैं। तस्वीरें हम यहाँ पटना का दिखा रहे हैं कि पटना से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किस तरीके से पूर्णिया के लिए रवाना हो रहे हैं। पूरा जो कारकेट है वो मुख्यमंत्री का यहाँ से निकला है। एक अन्य मार्ग से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महागठबंधन के नेताओं के साथ जो महारैली है पूर्णिया में, उस रैली में शामिल होने के लिए निकल चुके हैं। अब से कुछ देर पहले तेजस्वी यादव यहाँ से निकले थे और अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूर्णिया के लिए रवाना हुआ है। पूर्णिया में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महागठबंधन के नेताओं के साथ महारैली का जो आयोजन किया गया है, उस रैली में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री निकले हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और महागठबंधन के जो दूसरे नेता हैं वो चुनावी शंखनाद भी करेंगे 2024 के इस रणभूमि में। बिहार के लोकसभा की 40 सीटों के साथ देश भर के लोकसभा सीटों पर महागठबंधन और जो गैर बीजेपी जो पार्टियां हैं उनको एकजुट करने के मुहिम में मुख्यमंत्री लगे हुए हैं और इन तमाम मुहिमों की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में कर चुके हैं। बिहार में तेजस्वी यादव सहित जो पूरा जो महागठबंधन का कुनबा है वो इसके लिए तैयारी कर चुका है। नीतीश कुमार देश भर में घूमकर विपक्षी एकजुटता को मजबूत करने में जुटे हुए हैं और यही वजह है कि इस महारैली का आयोजन किया गया है और इसका थीम भी रखा गया है कि बिहार से इस बार 14 वाले को 24 में नहीं लाने के मकसद के साथ यहां से निकल रहे हैं। तेजस्वी यादव जब अब से कुछ देर पहले यहां से निकल रहे थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जाने से ठीक पहले तेजस्वी यादव पटना एयरपोर्ट पर पहुँचे और उन्होंने तमाम बातें सीधे तौर पर दोहरा दी। पूर्णिया की रैली में नीतीश कुमार आज क्या कुछ कहेंगे उस पर सबकी निगाहें टिकी रहेगी। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीधे तौर पर पटना से निकलते वक्त उन्होंने हाथ जोड़ा और कहा कि जब वो लौटेंगे तब बातें करेंगे। आज का दिन बिहार की सियासत में इसलिए भी खास हो जा रहा है कि एक तरफ महागठबंधन की रैली पूर्णिया में है तो दूसरे तरफ बिहार के दो जगहों पर अमित शाह का जो कार्यक्रम है वो है पटना और वाल्मीकि नगर। पटना और वाल्मीकि नगर के कार्यक्रम को लेकर भी महागठबंधन के नेता लगातार बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं, अमित शाह पर सवाल उठा रहे हैं और अब पूर्णिया के इस महारैली में जब महागठबंधन के सातों पार्टियों के जो नेता हैं वो खड़े होंगे और पूरी मजबूती से केंद्र सरकार के खिलाफ जब हल्ला बोलेंगे तब देखना होगा कि आगे की रणनीति क्या कुछ होती है। फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूर्णिया के लिए पटना से रवाना हो गए हैं।